नमस्कार, बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। बेस मेटल के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर बेस मेटल के अंदर हमने काफी मिला जुला ट्रेड होते हुए देखा। लोअर लेवल से शानदार रिकवरी भी थी, जिस जन से चाइना मार्केट ओपन अप हो रहा है उसी के तहत कॉपर में 1% की तेजी, जिंक के अंदर 3.5% से ज्यादा की तेजी, लेड के अंदर 2.5% की तेजी, बट एल्यूमिनियम में हमने देखा कि प्राइजेस में करीबन 3.75% की गिरावट बनते हुए दिखाई दी। कुछ फंडामेंटल साइड की अगर बात करें तो कॉपर में हमने देखा 780 के ऊपर प्राइजेस अच्छे से ट्रेड करते हुए जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये प्राइजेस और बड़ा जंप ले सकती है, जिस ढंग से काफी बैंकर्स के अपडेट आए कि 15,000 तक की LME हम इंटरेस्ट में छूते हुए देखेंगे, जिस ढंग से लोअर इन्वेंट्री और डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है क्योंकि पोस्ट कोविड चाइना से भी डिमांड बढ़ेगी। नो डाउट पिछले महीने हमने चाइना के जो फैक्ट्री एक्टिविटी के डेटा थे वो खराब आते हुए देखे थे, बट वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन बिकॉज कोविड के चलते जो लॉकडाउन था इसकी वजह से ये एक्टिविटी में ड्रॉप था। चाइना के जो की कमर्शियल हब है संघाई, यहाँ पे हमने देखा ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को रिज्यूम कर दिया गया है जून से। नो डाउट आज हम ड्रैगन डे के हॉलीडे के चलते मार्केट बंद है, बट उम्मीद है जून में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी काफी अच्छी सुधरेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि कॉपर के अंदर इन्वेंट्री में ड्रॉप है जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है जो आने वाले दिनों में 800 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर भी हमने देखा चाइना मार्केट जैसे जैसे ओपन अप हो रहा है मार्केट में एक पॉजिटिवनेस बन रहा है, साथ में चाइनीज बैंक को ग्रोथ प्रेशर जिस ढंग से दिखाई दे रहा था उसको सपोर्ट कर रहे हैं कुछ नए बूस्ट इकोनॉमी में डालकर, जिसकी वजह से पूरे बेस मेटल को सपोर्ट मिलेगा। इनफैक्ट चाइना का जो एक्सपोर्ट रहा है फर्स्ट टाइम 2014 के बाद नेट एक्सपोर्टर के रूप में चाइना निकल के आई है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि जो प्रीमियम्स है वो चाइना में काफी कम है, इंटरनेशनल में काफी बड़े यूरोप में, जिसकी वजह से ये चीज होते हुए दिखाई दी है। साथ में एल्यूमिनियम के प्राइसेस में हमने दबाव इसलिए भी देखा कि मॉर्गेज की जो डिमांड है वो कंटिन्यू फॉल है और पैकेजिंग इंडस्ट्री से भी डिमांड में फॉल देखी गई है। ऑटोमोबाइल में भी डिमांड हमने फॉल होते हुए देखी है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम काफी अंडर परफॉर्मिंग रहा है, बट टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो 340 के ऊपर प्राइजेस होल्ड है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा तो एक्टिविटी में पॉजिटिवनेस मिलेगी। तो अगले हफ्ते के लिए अगर हम पूरे बेस मेटल की बात करें तो कॉपर में ट्रेंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद है जो 800 तक का लेवल दिखा सकता है। जिंक के अंदर 330 के ऊपर काउंटर 338 के लिए लिया जा सकता है। लेड 182 पे बाय करके चलिए 188 के टारगेट के लिए। वहीं एल्यूमिनियम में हमने देखा 228 के सपोर्ट से मार्केट कंटिन्यू होल्ड कर रहा है जो 238 तक का लेवल दिखा सकता है। इन ऑल पूरे बेस मेटल के अंदर बाइंग एक्टिविटी अच्छी रहेगी जिस ढंग से चाइना ओपन अप हुआ है। धन्यवाद।